من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقضى ربك اور تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے حکم دیا ہے اللہ تعبدوا الا اياه کہ عبادت صرف اسی کی کرو وبالوالدین احسانا اور یہ حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو اچھا سلوک کرو اما یبلغن عندک الکبر اگر تیرے ہاں بڑھاپے کو پہنچ جائیں احدہما ان میں سے ایک او کلاہما یا دونوں فلا تقل لهما اف تو ان کو اف تک نہ کہہ ولا تنہرهما اور نہ ان کو جھڑک وقل لهما قولا کریما اور ان سے بہت اچھی بات کر واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ اور ان کے لیے رحمت اور شفقت سے نرمی کا بازو جھکائے رکھ اپنی عبادت کے بعد ان عبادت میں سے سب سے پہلے اور سب سے بڑا حق والدین کا بتایا والدین سبب اور ذریعہ ہے انسان کا اس دنیا میں آنے دونوں کے ساتھ بھی بہت زیادہ اس میں سلوک کرنا چاہیے لیکن پھر آگے والدہ کا درجہ ہے وہ زیادہ سارے لوگوں میں سے والدین کا مقام اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کی بات میں قبول کی بات میں سے والدین کا حق بتایا لیکن پھر والدین میں سے
वालिदा का हक जो है बहुत ज्यादा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस आदमी ने पूछा कि मन हक नास हुस्न सहाबा है, मेरे अच्छे सुलूक का सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन है? आपने फरमाया उम्मो तेरी वालिदा। उसने कहा तुम ना मान फिर कौन? आपने फरमाया तुम ना उम्मो फिर तेरी वालिदा। उसने कहा तुम ना मान फिर कौन? आपने फरमाया तुम ना उम्मो फिर तेरी वालिदा। उसने कहा तुम ना मान चौथी बार? आपने फरमाया तुम ना उम्मो फिर तेरा वालिदा। और दूसरी हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिद को औसत अक्वाम जन्नत जन्नत का अफजल और बेहतरीन दरवाजा कहा है, बेहतरीन दरवाजा। और इब्ने माजा में किस्सा हदीस है, एक आदमी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़े अजीब तरीके से ये चीज पूछी, ये मेरी औलाद भी है मान भी है और मेरा बाप चाहता है नहीं यजता करना है। अबू दाऊद के जवाब में यहताज नाय मेरे माल की उसको जरूरत है, लेकिन इन्हें माला की क्या मतलब है यजता होना है मेरे माल को बिल्कुल खत्म करना चाहता है, जड़ से खत्म करना चाहता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया? और मैं अंता व मा तू और तेरा माल तेरे बाप का और औलाद को बहुत अच्छी कमाई कराते हैं। औलाद इंसान की बहुत अच्छी कमाई अपनी कमाई से खा सकता है। इस हदीस का मफहूम क्या है कि वालिदैन को अगर जरूरत है तो औलाद को चाहिए कि अपने वालिदैन की जरूरियात का ख्याल रखें और अपनी ताकत के मुताबिक उनकी जरूरियात पूरी करें। इसका ये माना कतन नहीं कि अगर बेटा मर जाए तो सारा मां ग्रह से बात हो जाए, ये माना नहीं। माना इसका क्या है, क्योंकि उसका सवाल इस तरह का कि जी मेरा बाप मेरा मां हड़प करना चाहे, तू और तेरा मां तेरे बाप ये कमाई है इंसान की बेहतरीन कमाई है मौला और इससे जरूरत ये नहीं कि वालिद जो है ना इस तरह नहीं होता हुकूमत कि वो उजाला करने वाला हो। तो वालिदैन जो है उनकी जरूरियात हालात के मुताबिक जो हालात का पता लगे और फिर जो उसकी अपनी हैसियत अपनी हैसियत के मुताबिक वालिदैन की जरूरियात उसको पूरी करें। वालिदैन की जो अहमियत है, इनके साथ उसके सलूक है, वो मारूफ हदीस है बुखारी के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीन बंदे को बाहर खास के तीन बंदे उन्होंने जब वो बुखार के खाने में बहुत बड़ा पत्ता आ गया था तो ये बात आपस में कही थी कोई जो खास खुदमत की हो मैंने नाक पर अल्लाह से कहा नाक समझे का अल्लाह ताला से दुआ करो। तो एक आदमी ने ये बात कही थी जिस तरह सही बुखारी के अंदर यह हदीस 3465 नंबर पर मौजूद है, अब्दुल्लाह बिन उमर रضي الله عنه महाराज ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया बैनमा फलतना, ये उस वक्त की बात है कि तीन आदमी जिम्मन कारा कबला हो तुमसे जो पहले हो गए उनमें से तीन आदमी पहली कौमों में से यम शोन को क्या जा रहे हैं इन आसार और मौका कि अचानक उनको बारिश में मान लिया पताओ की अल्लाह उन्होंने एक बार की तरफ पना मरतबा का आले हैं वो बात उन पर नहीं गई बात को तब तक जो सिखाने पर मात्र पड़ा आपस में कहने लगे कि ना वल्लाह या ना खुदा ला युनजी
जीत को उनकी लस्सी, आपस में क्या कह लेंगे कि अल्लाह की कसम है ये यकीनी बात है लोगों साथियों, ला युनजीकुम इल्ला सिद्क, तुम्हें सिर्फ सिद्क ही निजात देगा। फलियर कुल रजुल मिनकुम बिमा यअलम अन्नहु कद सदका फीह, तो हर शख्स में से जो वो जानता है कि फलां काम है उसके अंदर वो सादिक है मुखलिस है, वो जो इखलास के साथ सिद्क के साथ भी काम किया हुआ है उसके साथ वो आ रहा है हर शख्स। फकाल वाहिद मिनहुम उनमें से एक ने कहा अल्लाहुम्म इन कुंत तअलम अन्नहु काना बी अजीर अजीर अमल, या अल्लाह तू जानता है कि मेरे काम का एक मजदूर था। अलाफर में कुर्स, वो मजदूर जो है लगाया हुआ था काम का, एक फर चावल का मूंजी पर, और फर्क क्या है 3 साल का होगा, ये पैमाना है 3 साल का, और 1 साल जो है अभी रमजान गुजरा है कितना लोगों ने दिया है 60 का फर्क साथ एक टोका है 2 किलो या इससे कुछ ज्यादा, तो एक फर्क 3 साल का इतने पर उसको मजदूर लगाया और धर्म अवतार था वो चला गया मजदूरी उसने की लेकिन अपनी इज्जत छोड़कर चला। वही भी हमें दो दिया कल फर्क फसला, तो मैंने वो जो एक फर्क 3 टोके मुझी थी उसको मैंने उसकी तरफ कसर किया और उससे मैंने काश्तकारी फसार यहां पर ही हमने शरय को भी उपाखा, उसका मामला क्या हुआ कि वो बढ़ते बढ़ते दिया है उसकी कई गाय बन गई, उसको मजीद वो बढ़ा रहा उसके मां वहन्नहु अदानी, और बेशक वो मेरे पास कितना अरसा गुजरा था उसका पता है, कितनी मुद्दत के बाद होता है ना जब हालात तंग हो मुझे मना कहता हूँ कि हम कहाँ हैं क्या है कर पूरी जान को जाओ मानना हो अच्छा नहीं है तो बहुत अच्छा, वो मेरे पास आया अपनी मजदूरी मांग कर पकड़ बुला हूँ मैं उसे कह रहा कि मां इलाके के लोगों का इन गांव की तरफ कसर करो इरादा करो और ये तो मांग कर ले। फकाल अली, वो मुझे कहने का कि ना मारे ये ना फर्क में बस मेरे आपके यहाँ 3 टोपे मूंजी है क्या चार पकड़ तो लहू ऐ अमान इरादे का फखा मगिन का हामिदार का फखा इन गांव की तरफ कसर करो जाओ ये उसी से हैं मतलब 3 टोपे तेरे थे उन्हीं से ये पाए पासा कहा वो सारी गायें आग कर जा गए कोई भी छोटा नहीं वही बोलता था अल्लाह मोहन की फांदा ये कभी कश्यप थे पापर ने जान ना बस अगर तू जानता है कि मैंने तेरे डर से ये काम किया पापर ने जान ना तो हम से खोल अंसाहा उनसे चलान की कुछ हट गया तू जानता है क्या मुकाम है अगर तू जानता है कि मेरे मां बहुत बुरे अपन तो कहते ही मंजूर करे जब मिला पाने का ना मिला पाने का ना मिल भी मैं हर रात के पास अपनी बकरियों का दूध डाल पकता तो आले ही मान ले जा एक रात
मैंने उसे तहकीर करने लेट हो गया पर जेब वक्त दवा खा रहा जिस वक्त मैं आया हूँ सो चुके थे वक्त भी वही याद ही ये तो और ना मेरा जू और मेरे हाथ में याद भूख की वजह से शोर डाल भूख की वजह से होते पकुन कुला मस्ती हैं हत्ता इशाबा अबावाय मेरी आदत क्या थी कि मैं उनको अपने वालिदैन से पहले नहीं खिलाता पहले अपने वालिदैन को खिलाता और खड़े खिला होना तो मैंने उनको बेदार करना भी अच्छा ना समझा और खड़े मत आना और इसको भी मैंने अच्छा ना समझा उनको मैं छोड़ उनको ना खिला विश्वपतिमा तो वो अपने मशरूब से रह गए उनके अंदर कमजोरी आई एक वक्त का उनकी जो गिजा है ना खाए ना पिएंगे तो कमजोरी आई रह जाएंगे कलम आजाद खान कौन हत्ता तला तो मैं इंतजार करता रहा बेदार इसको पीना हूँ तब तक कि फजर तुलू हो पहले को बता को मैंने बाहर बुदा है कि खशियत है अगर तू जानता है कि मैंने ये तेरे डर की रामा कर दिया तो और मैं जान ना तो हम से हो फंसा है तान मसाफ तलब हो गया समा वो जगाम उनसे कुछ और हट गई थी लगता है वो आसमान की तरफ गए हैं और आखिर तीसरा बेटा उसने कहा अल्लाह ने इनको बता लो है ना उनका नबी इतना तो हम ज्यादा तो जानता है कि मेरे एक चचा की लड़की थी जिन अहद बिना से मिले लोगों में सबसे ज्यादा हमने उससे मोहब्बत की बड़ी निरावत को रहा से कहा मैंने उसकी जान से उसको बलाना चाहा इस्लाम चाहा पर तुम ना मानी सोने के सौ दीनार सोने के दीनार पत्ता लगा था उसको जरूरत पड़ गई पत्ता कदर मैंने कुदरत पाई हासिल कर ली मैंने कमा ली तो मैं लेकर उसके पास आया पता था तो मैं गई हद मैं उसके हवाले अहम कनक की मिन्नत से कहा तो उसने अपना हाथ मेरे हवाले पलम्मा कहा तू कहीं आ रही गई ना बस जब मैं उसके सामने बैठा फकाल तो कहने लगी अल्लाह से डर और मोहर नहर ना तो मैं उठ गया बकरा तुमने मतलब दीनार और वो सौ दीनार भी मैंने छोड़ हिसाब लगा रहे हैं कितने के बदले सौ दीनार पहले तुम बता दो हमें जान सुधारने के हम खशियत अगर तू जानता है कि मैंने ये तेरे डर से किया था तो अपन भी जानना इस पर हम उसके किरदार को छोड़ तो फकर अल्लाह मनु पहाड़ अल्लाह ने मुझसे वो चट्टान हटा दी थी और वो भी इन तीन अशखास में से एक वो शख्स था जो अपने वालिदैन को सबसे पहले दूध पिलाता था बच्चे घर वाले खाशोर डाले दूध की वजह से और रात भी एक इस तरह बसर उसने करती घर वालों को नहीं उसने आगे जाता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वाकया कहने को मौका एक और दिया अब इस वाकया से क्या समझ आती है बल्कि दूसरी मुस्लिम के अखबार में इमाम मुस्लिम ने किताब हदीस की बहुत अच्छी तरफी है इसको जमा किया आगे जिसमें जो बात है चैप्टर्स वो किसने बने इमाम डबल जिसकी शायद है
किताब उम्र व्यवस्थित आदाब के अंदर क्या बात कायम किया है इमाम नवी ने सही बात बात को तकदीर के फिर वाले ने हमारा पतंग को इशारा किया है कि वालदैन के साथ नेकी करना उसे शुरू करना नफली नमाज और दीगर नफली इबादत से ये क्या है मुकद्दम है। एक तरफ नफली नमाज पढ़ना पड़ा एक तरफ क्या है वालिद को लाए या वालिदा को लाए क्या करना चाहिए नफल को छोड़ो ये फर्ज माँ बाप की बात मानो इस हदीस पर ये बात कायम हुई है। ये हदीस 2550 नंबर का सही मुस्लिम में मौजूद है। अब वो रहा तो कि अल्लाह मानो इस हदीस के आगे अन्ना हुक्का का फरमाया क्या ना जुरेज ये था इसोमा जुरेज एक बड़ा इबादत गुजार था साहेब वो गिरजे के अंदर इबादत फजा उम्मो उसकी वालिदा आई काल हुमैन ये अबू हुरैरा के शागिर्द हैं अबू राफे और अबू राफे के शागिर्द हैं हुमैन बिन इयाद। हुमैन कहते हैं फवसअलना अबू राफे सिफत अबी हुरैरा ये सिफत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मा हुमैन कहा। हुमैद ने क्या किया वो वसफ बयान किया करके दिखाया कि जब उसकी वालिदा ने सवाल लगाएगी तो किस तरह उसने किया था उसकी वालिदा जिस तरह अबू हुरैरा ने इनसे वजाहत से ये चीज फरमाई थी और अबू हुरैरा ने वो वजाहत किनसे देखी थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकिन अगले अल्फाज क्या बता रहे हैं ये रसूल का सलाम अली सुन्नी वाला है तो करके दिखाया रसूल का सलाम किस तरह उसने आवाज लगाई कई बच्चा कफा और तहाजे उसने अपनी हथेली अपने हाजे वर्ग के ऊपर किस तरह रखी ऐसे करके और फिर सदा लगाया तुम्हारा फर्क रहा साहब ही नहीं है फिर उसकी तरफ अपने सर को घुमाया तब रूह हो और सवाल है सब क्या करते हैं आप जो है हाजिर के ऊपर पकान उसने क्या कहा क्या सवाल है या जुरैज आना हूं का पहले भी ऐ जुरैज मैं तेरी माँ हूँ मेरे साथ को क्यों कहा ये आदमी बहुत ही बात गुजार था जुरैज और उसका जो बेटा था कुड़िया थी उसमें बड़ा इबादत करता था। वालिदा उसकी आई उसने सगा लगाई कहा जो है मैं तेरी माँ हूँ ये सब तुम कर और ये जो चीज है ना वालिदैन को इससे बहुत सुकून मिलता है कि बच्चा औलाद बच्ची उसके पास बैठे और बातें करें। हाँ आप बहुत ज्यादा उम्र के हो लेकिन वालिदैन के लिए आप बच्चों मिले मुझे अपने एक उस्ताद की बात नहीं भूलती उन्होंने बताया कि सऊदी अरब के फलाने इलाके में ज्यादा गर्मी तो दोपहर के वक्त नौजवान जो है काम कर रहा है कोई लकड़ी का काम कर रहा है उसका वालिद आया घर से देखा धूप में बेटा काम कर रहा है कहा ऊपर चलो घर गर्मी बहुत है छोड़ो घर चलो कहा मुझे ये थोड़ा सा काम रह गया मैं इतने में क्या हुआ वो जो काम कर रहा था उसका बच्चा छोटा बच्चा घर से बाहर आ गया। अब ये नौजवान जो है अपने वाले से है अब मुझे बच्चों को घर में तो गर्मी बहुत कहा इस पर तुझे तरस आता तू मेरा बच्चा नहीं तेरी उम्र 80 साल की हो जाए अपने वालिद के लिए बच्चा बच्चोंगड़ा है पर सारा का तुम इसे मिलकर से सदा लगाए कि अपने बेटे बुलाई छोड़ उसके साथ में उसे पाया वो नमाज पढ़ा पकार उसने कहा अल्लाहुम्मा उम्मी मसाला
यादा मेरी माँ है और मेरी खास है, एक तरफ मैं नमाज पढ़ता हूँ, एक तरफ मेरी वालिदा मुबारक क्या करती है। पास्ता सलाम करो तो उसे अपने नमाज के लिए तैयार किया, कहा जा तो वो वापस तुम आदत की जानिया के दोबारा लौटी और आप तैयार जो है खाना अपनी मुलाकात कर लेती है जो है मैं तेरी माँ मेरे साथ बात कर। बच्चा बोला कि मेरा बाप
भेड़ों को चराने वाला, भेड़ों का चरवाहा। फलम्मा समिउ ज़ालिका मिन, जब उन्होंने उससे ये सुना, एक बच्चा बीमारी की दूध पीने वाला, इस सब बोलकर क्या है, कालू नबनी मा हदन्ना बिदैक बिज़हब वल फिद्दा, कहने लगे जितना गिरजा हम तेरा ढा चुके हैं, ये हम सोने और चांदी का बना। मिट्टी का बड़ा हो जिस बार पहले मिट्टी का तुम मारा हो, ये बात करके फिर चल गया ऊपर अपने बेटे। ये हदीस इससे पता चलता है कि आदमी नफल के अंदर नफली बात के अंदर मशहूर हो मशहूर, वालिदा बुला रहे वालिद बुला रहे छोड़ और वालिदैन की बात को कबूल कर लेंगे। एक बहुत ही अच्छी बात जिक्र करके बात को समझ लेता हूँ, मतलब कोई समय ज्यादा नहीं होता। ये वाक्य को व्यस्त कर देता बड़े लोगों ने मालूम की नहीं बात है व्यस्त करने के बारे में, कई समय तक करने से मुराद नहीं मेरे जमाने में कर खाना समाना होता, यदि मेरे जमाने में ये मना नहीं। कई कहते हैं कि उन्होंने रसूल की मोहब्बत में अपने काम तोड़ दिए थे, कि रसूल दरदान के अंदर शहीद हुए, उन्होंने अपने दरदान तोड़ दिए थे, शायद ये टूटा होगा, फिर शायद ये टूटा होगा, ऐसे सारे काम ये क्या मतलब कहते हैं, फिर ये कहते हैं केला जो है ना ये जो कि या ना होगा रमजान के अंदर जो है ना जन्नत के काम का मंदूर बेसौ का माध्यम बहुत पहले होती है। आज सुनने और इसको याद करने इस बार क्या हो, सही मुस्लिम में 2542 नंबर पर ये वाक्य मौजूद है। वो सही दिन जा रहे थे, तभी उन्होंने कहा कान उमर जब यमन से मुजाहिदीन की मदद के लिए काफिले आ, यमन से मुजाहिदीन की मदद के लिए काफिले आ गए, सहाबा उनसे पूछते अकीब उवैस बिन आमिर, क्या तुम एक उवैस बिन आमिर हैं, हत्ता उवैस हत्ता के उवैस के पास आए गए, क्या मतलब एक ऐसा काफिला आ ही गया यमन वालों से इस काफिले में उवैस बिन आमिर मौजूद। फकाल मन का उवैस बिन आमिर, उमर बिन खत्ताब रضي الله عنه उनसे कहा आप उवैस बिन आमिर हैं, उन्होंने कहा ना जी। उमर ने फरमाया मैं मुराद उमर ने कर मुराद कबीले से हो, फिर मुराद कबीले की जो खानदान है उनमें से जो कर्म खानदान है उससे तुम्हारा बड़ा कबीला होता है, आगे कई शासन की होती है, आगे कई कबाइल को खानदान में मुराद तुम हमें कर मुराद कबीले से हो, फिर कर कबीले से हो, कहा ना। उसने कहा जी। उमर ने फरमाया कान बे अब्बास तुझे कुलमेरी की तकलीफ थी, फबारा अमीर होने से तुम्हें शिफा मिल चुकी है, आराम आ गया है, इल्ला मौज़े अब्दिरहम, हाँ फिर हम जितनी जगह बाकी रहती है फुल बैरी। उन्होंने कहा जी। कार का वालिदा, उन्होंने फरमाया तुम्हारी वालिदा है, हम उसने कहा जी। ये सारी तहकीकात करके उसके बाद फरमाया उमर रضي الله عنه ने समय तो रसूल अल्लाह मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, या प्यारे उवैस बिन आमिर, तुम्हारे पास उवैस बिन आमिर हैं, मा हमदा बिन यमन, यमन से मुजाहिदीन की मदद के लिए जो खाते हैं उनके साथ आए, मिन मुराद तुम हमें उठाओ, मुराद कबीले से फिर कर्ज
हिस्सा है ना, कैश बड़ा चमेला है, उसकी ये इशारा क्या है, बदमाश कौशल है, एक बड़ा कबीला और कटाले शाह है, तो ये मुराद बड़ा कबीला है, उसके इशार है था। तुम्हारे पास वैसे नामे आएंगे मामदा का है यमन, यमन के उन काबिलों में से जो मुजाहिदीन की मदद के लिए आएंगे, मुराद से कटकार से उनका ताल्लुक होगा, काम के लिए बस उन्हें कुलदरी की पापा अमीर हो जिससे उनको आराम पा चुका है, इन नामों से अत्यधिक दिलों की इतनी जगह बाकी रह गई है कुलदरी। लहू वालिदा वो अपने आप उसकी वालिदा है, वो उसके साथ बहुत ज्यादा उससे सुलूक करने वाला है। लहू अक्सम अल्लाह, अगर वो अल्लाह पर कसम डाल दे तो अल्लाह उसकी कसम पूरी कर दे, लेकिन वक्त का खलीफा, खलीफा इस्लामी जिनके बहुत ज्यादा दर्जा है, बहुत मुकाम है, वो दुआ कैसे करवा रहे हैं, एक तारीख से बस तक का लहू तो उबैस बिन आमिर ने उमर बिन खत्ताब के लिए बख्शिश की दुआ की। फकाल लहू उमर अयन तुरीद, उमर ने उससे पूछा कि तुम कहाँ जाना चाहते हो, कहा अल कूफा, वो कहने लगे कि कूफा जाना चाहते, गवर्नर की तरफ खत लिखने लिखे ऐसा क्या मतलब, कोई प्रोटोकॉल और क्या मतलब, मैं क्या कूफा के गवर्नर की तरफ तुम्हारे लिए खत न लिखूं, तहरीर न लिखूं, तो के जो बड़े लोग हैं चौधरी किस्म के, उनमें से एक आदमी हजबा आया उसने उमर से मुलाकात की, असान अबू उबैस, तो उमर रजी अल्लाह अन्हु ने उस उमर के जो भी बड़े शराफा तबके के आदमी से पूछा, उबैस के मुतल्लिक सुना उबैस का क्या, काल तरकतुहु रज़्ज़न क़लील क़लीलन मक्का, वो कहने लगा मैंने उसे इस हाल में छोड़ा है, उसका घर बड़ा खस्ता हाल है और कई लगातार बिल्कुल नामूली इसके पास सामान है। समय तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर रजी अल्लाह अन्हु ने उस ऊपर के आदमी से फरमाया कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुना, यह कि अलैकुम उवैस बिन आमिर, तुम्हारे पास उवैस बिन आमिर आएंगे यमन, यमन से जो मुजाहिदीन की मदद के लिए काफिले आए हैं उनके साथ, मिन मुराद मिन कर्ब, मुराद से फिर कर्ब से, कान मेरी बार सबा मिनहु, उन्हें कुलदरी की तकलीफ थी जिससे उनको आराम आ चुका है, इला फौजा दिरहम, मगर दिरहम की जगह बाकी रह गई है, लहू वालिदा हुवा बिहा, उसकी वालिदा है जिससे बहुत अच्छा।
अच्छा सलूक करने वाला है, उसके सलूक बहुत गलत करने वाला है। लो अक्सर हाल पर अल्लाह बर्रा और वो अल्लाह पर कसम डाल दे, अल्लाह उसकी कसम पूरी कर। वही सदारा अन यस्तगफिर लका फअल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था मुझे यानी उमर को कि अगर तेरे अंदर ताकत हो कि वो तेरे लिए बख्शीश की दुआ करे ये कर लेना। ये हदीस सुना दी उस कोबे के आदमी को उमर रजी अल्लाह अन्हु ने, वो ऐसी मकाने जो बात की वो हदीस के अंदर उससे सभी को देखा। फाअदा उबैसा हज से वापस करके गया, कोई वापस तो कुरैश के पास पका दस्तक देगी, तो कुरैश कहने लगा मेरे लिए बख्शीश की दुआ मांग। قال انت احد الله بسبع ساعه كويس كان لگے کہ نیکی کے سبب سے تم نئے نئے آئے ہو، تم میرے لیے تو بس رکھ لی تو میرے لیے بخش دیا۔ قال اس طرح یہ کہنے لگے وہ ویسے تو میرے لیے بخش دیا، انہوں نے پھر کہا انت احد الله بسبع ساعه نیکی کے سبب سے تم نئے نئے آئے ہو۔ साथी कहा असल के लिए हिंदू बख्शी द्वारा साथी क्या कहा लकी का उमर उमर से भी ले गए असल का नाम उदय से है उसकी बख्शी द्वारा फतेह लहुम नास। हदीस के रावी हुसैन बिन जाबिर फरमाते हैं फिर लोगों को उसकी समझ आ गई बंदा मामूली नहीं, लोग समझते हैं। फंतला का आला बच्चे वो कहीं किसी तरफ जिधर को चल बस चल कहीं चले, जब शोरत होने लगी ना तो लोगों को पता चल गया वो कहीं चले। उस सही ने कहा और कसम को बोलता मैंने मुझे यमनी चादर पहनने के लिए दी यमनी चादर लिबास पहनना ये लोग के हैरानी थी अखबार के हम शख्स का क्या हुआ दीगर चीजों के साथ एक नुमाया दूरी और असर कुरैश के अंदर क्या था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बयान करना है उसकी वालिदा है वो अपने हाथ पर उसके साथ बहुत ज्यादा उसने शुरू कर दिया बहुत ज्यादा नेकी करने का। जिनके वालिदैन या दोनों में से एक खयाल है गनीमत समझे और खिदमत करके जन्नत की राह जो है उसको आसान बनाने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको अपना समझ दिया सब काम को अपना नाम नाम सहारे करके बनाओ अपना नाम को तुम्हारे पास से अपना नाम करके हसना करके करके अपना नाम अल्लाह मशीन अपना नाम अपना पिला रहा हूँ अपना नाम करके नसरा
और अनपढ़ कोई हिसाब कर सकता। वो क्या है कि दरमियानी आम का आदमी हो तो चार मरतबा ये दोनों हाथ के साथ कोई बुक भर ले, किसी जिनस वो गंदम है या जौ है, खजूर है, मुनक्का है, क्या कर ले, चार बुक भर ले, एक तोहफा है, क्योंकि ये एक मोल है, तो चार बुक का सारा होता है तोहफा। सवाल तो रसूल चीज कौन सा औसत का सवाल नंबर 5, से बुरे आदमी में से पहले आदमी ने अपनी कौन सी नेकी का वास्ता किया? जी मजदूरी का जवाब सवाल नंबर 6, शेख मोहतरम ने सवाल नंबर कोई और हिस्सा डालना चाह रहे हैं आप भी यहाँ पे जरूरत भी आपकी जरूरत भी यहाँ पे وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. सवाल कितने आदमी गार में गए थे और किस वजह से बात कितने आदमी गार में दाखिल हुए, वजह क्या थी दाखिल? तीन आदमी गार
बारिश सवाल नंबर 8, वो कौन सी नमाज है जिससे वालिदैन की बात मानना आसान है? जी बच्चा जो नफली नमाज इंशाल्लाह इस पर हम भी करते हैं, लेकिन जब अब वो कहे या मम्मी कहे तो सब चांद को करना हम काम कर रहे हैं या सवाल हम कर लिया अजान हो गए अजान इसलिए होती है फर्ज नमाज फिर तमीज से कहो कि मैं कल पढ़ के आता हूँ फिर कुरान से सवाल क्योंकि अल्लाह पर हमारा क्या है अल्लाह ही सबसे बड़ा है अल्लाह ही इस पर कोशिश करेंगी उम्मीद को भी खुश किया है। सवाल नंबर 9, रात में हंसी हुए आदमी में से दूसरे आदमी ने अपनी किस नेकी का वास्ता सवाल नंबर 10, जुरैद की वालदा ने जुरैद को क्यों बददुआ दी थी और क्या बददुआ दी? सवाल नंबर 11, आदमी हंसे हुए आदमी ने तीसरे आदमी ने अपनी कौन सी नेकी का वास्ता दी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हवस में हमारे इसके बारे में किस सहाबी को इसकी निशानियां बताई थी और कौन सी दुआ करवाने का हुक्म दिया? जी निशानियां हवस जवाब नहीं दिया जो भी भाई जवाब दे साइज से हो रहा है ये नहीं कि पहले उसने तो रहा नहीं कोई तो रहा है अगर तो उम्र भी इतना होता आ रहा है तो मतलब या तो भी जमान से कुछ ताप जाता है या इसके पूर्व में क्या चंद्र हो रहा है सभी हैं जब वो आए तो हमने कहा कि हाँ तो दूसरा कि आप अवैध हैं मुराद का दीदे से हैं कर्म के बीच के साथ ताकत है और आपको कलबैरी की बीमारी थी और अब आपके जिसम का एक धर्म के बराबर है ये मैं कहते हैं जवान तरह से नबी रास्ता मुझे जहाँ तक अगर आप ताकत रखें तो उनके बख्शे की दुआ
चीज रही है, मेन चीज है।
इनका जवाब पहले हो गया, ये नाम ले चुके जिक्र करवा लेने के नाम सारी निशानियां क्या एक बात रह गई अभी, कौन सी? दो रह गई, कौन सी? याति अलैकुम उवैस बिन आमिर मा हमदा बि अहलि यमन, तुम्हारे पास उवैस बिन आमिर आएंगे मा हमदा बि अहलि यमन, यमन से मुजाहिदीन की जो मदद के लिए काफिले आएंगे उनके साथ। मिन मुराद तुम मिन कर्न, मुराद कबीले से होंगे फिर कर्न से। और कान लहु बरस, उन्हें बरस की तकलीफ थी, फबरह मिन्हु, इससे उनको आराम आ चुका है। इल्ला मौज़िया दिरहम, मगर दिरहम जितनी जगह बाकी रह गई। लहू वालिदा, उनकी वालिदा है, हुवा बिहा बर, उसके साथ बहुत ज्यादा नेकी करने वाला है। लहु अक्समा अल्लाह ला बर्रा, अगर वो अल्लाह पर कसम डाल दे तो अल्लाह उसकी कसम पूरी कर दे। फइन इस्तताता यस्तगफिर लक फ़अल, सो अगर तू ताकत रखे कि वो तेरे लिए बख्शिश की दुआ करे तो कर लेना। और कमा काल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारक अल्लाह।